राजधानी राज्यों से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कल राजधानी आएंगे हिमंता बिस्वा सरमा। दरअसल 25 अगस्त को रांची में हिमंता बिस्वा सरमा का आगमन होने वाला है। बीजेपी बनाएगी युवा आक्रोश रैली के आगे की रणनीति। कई बैठकों में हिस्सा लेंगे हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी नेताओं को आगे के टिप्स देंगे। दरअसल बीते दिन युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसे बीजेपी के नेताओं ने सफल बताया है और अब हिमंता बिस्वा सरमा का आगमन होने वाला है, जहां आक्रोश रैली के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और कई बैठकों में भी हिमंता बिस्वा सरमा हिस्सा लेंगे, बीजेपी नेताओं को आगे की टिप्स देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेटेड अभिषेक भारती लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए बीते दिन बीजेपी युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसे बीजेपी नेताओं ने सफल बताया है और ऐसे में 25 अगस्त को रांची आगमन होने वाला हिमंता बिस्वा सरमा को, और कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं को वो टिप्स भी देंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो बीजेपी बहुत कमजोर नजर आ रही थी, उस बीजेपी में हिमंता रणनीति ने नई जान फूंकने का काम किया है। वो अलग बात है कि बीजेपी कितना कनेक्ट कर पाती है लोगों से, लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी में जो फूट नजर आ रही थी, अभी तक उस आंतरिक फूट को हिमंता बिस्वा सरमा बहुत हद तक दूर करने में कामयाब नजर आए। देखिए, हिमंता बिस्वा सरमा जो है वो बहुत आक्रामक राजनीति करते हैं और ये आक्रामक राजनीति करते हैं, हमने उनको असम की राजनीति में देखा है, और वैसी ही आक्रामक राजनीति अब झारखंड में बीजेपी भी कर रही है। आप ये समझ भी सकती हैं और देख भी सकती हैं। अंकिता, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के एक हफ्ते बाद तक बीजेपी की हालत बहुत खराब थी, आंतरिक गुटबाजी एकदम चरम पर थी, लेकिन उसके बाद मॉनसून सत्र आयोजित होता है विधानसभा का, और विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी के विधायक अचानक से आखिरी दो दिन में हिमंता बिस्वा सरमा की रणनीति के तहत एकदम एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव भी ऐसे वैसे नहीं, आप सोचिए कि ऐतिहासिक, मतलब है इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि विधानसभा में बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर रात गुजारते हैं, धरने पर बैठते हैं, और कुछ हो चाहे नहीं हो लेकिन चर्चा तो पूरी हो जाती है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से युवा आक्रोश रैली बुलाई जाती है। युवा आक्रोश रैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये नसीहत मिलती है रांची से कि जहां पर आपको पुलिस रोके बस वहीं पर धरने पर बैठ जाओ, बस वहीं पर हंगामा कर दो, बस वहीं पर बवाल कर दो, और वही हुआ। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो अब इसके आगे की जो रणनीति है, वो रणनीति बताने के लिए हिमंता बिस्वा सरमा कल रांची आ रहे हैं कि आखिर अब तक जो हुआ उसके आगे की रणनीति कैसी होगी। देखिए, एक बात क्लियर है कि फिलहाल जो बीजेपी जिस नीति पर चल रही है, उस नीति में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू जैसे नेता, इन सब नेताओं की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। सबसे बड़ी जिनकी भूमिका है वो है हिमंता बिस्वा सरमा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने देखा होगा, युवा आक्रोश रैली में पहली बार आपको लोकसभा चुनाव में भी ये नजर नहीं आया होगा कि दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, करमवीर सिंह, प्रदीप वर्मा जैसे नेता एक प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रोशित नजर आई और इसी का सिलसिला है कि तमाम जगहों पर यानी कि एसपी कार्यालय के पास जाकर पुतला दहन किया जा रहा है, और धनबाद और रांची से ये तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिये, पुतला दहन किया जा रहा है राज्य सरकार का। बीते दिन बीजेपी की ओर से युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी और उसके बाद बीजेपी काफी ज्यादा आक्रोशित और हल्ला बोल रही है राज्य सरकार और पुलिस के कार्रवाई के खिलाफ, और इसी का नतीजा है कि एसपी कार्यालय के बाहर जाकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पुतला दहन कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। बस शुरू करेगा
करो। माचिस बच गया और जलाना पड़ेगा क्या? ठीक है, जलेगा नहीं यहाँ, लेकिन जला के छोड़ेंगे। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें धनबाद और रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय के बाहर जाकर पुतला दहन कर रहे हैं राज्य सरकार का, और तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी का बीते दिन आक्रोश रैली निकाला गया था और इसके बाद से ही कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है, गुस्सा फूटा है पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी के आक्रोश रैली के प्रदर्शन के दौरान वहां पे काफी ज्यादा स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, लाठियां भांजी गई थी, उसके बाद तस्वीरें सामने आई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, यहां तक कि रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया गया था बीजेपी की ओर से, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर प्रदर्शन करने से रोका जाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अब आक्रोशित नजर आ रही है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जेएमएम के कार्यकर्ता का रूप में बनकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और वहां से हमारे सहयोगी धनबाद से प्रकाश बने हुए हैं और रांची से हमारे सहयोगी आरती बनी हुए। सबसे पहले रुक करते हैं धनबाद के, जहां से हमारे सहयोगी प्रकाश बने हुए। देखिए प्रकाश, अगर हम बात करें तो युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, जहां पे हमने देखा कि पुलिस की ओर से स्थिति को नियंत्रण करने तमाम तरह की वहां पे कार्रवाई की गई, लाठियां भांजी गई थी, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। और इसी का नतीजा है कि आज भी अगर हम बात करें, यानी कि तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से एसपी कार्यालय के बाहर राज्य सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ वहां की तस्वीरें आपके पास? आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के ओर से एक दिवसीय पुतला फूको कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका जा रहा है। देखिए युवा मोर्चा के ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया जाता है और उस आक्रोश रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वादा खिलाफी जो उन्होंने किया है, उसके नाराजगी के कारण युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन का, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन इस दौरान पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां चलाई जाती है, वाटर कैनन फेंके जाते हैं, इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जिससे कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हो जाते हैं। तो हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना आज पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर। मैम क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही शर्मनाक हरकत की है ये झारखंड की सरकार ने। हमारे युवा साथी जो कल रांची मोराबादी मैदान में गए थे शांतिपूर्वक अपने आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए, उनके ऊपर ये आंसू गैस छोड़ा जाना, उनके ऊपर ये मिर्ची गोले छोड़ा जाना, उनके ऊपर बम छोड़े जाना, क्या आप साबित करना चाहते हैं? युवाओं की आवाज को कहां तक आप दबाएंगे और क्यों दबा रहे हैं आप? आपने कहीं कुछ गलती की है तभी तो आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवाज कब तक दबेगी? युवाओं की आवाज दबाएंगे, महिलाओं की आवाज दबाएंगे, कब तक ये चलेगा? इतनी घिनौनी हरकत जो उन्होंने की है, तो हमारे कितने युवा साथी रिम्स में भी भर्ती है, वो बेचारे दर्द से कराह रहे हैं। क्यों आपसे वो हिसाब मांगने गए थे कि आपने जो इलेक्शन के पहले वादा किया था कि आपको नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे तो नौकरी भत्ता देंगे, कहां गए वो सब वादे? बस उसी वादों का हिसाब लेने गए थे युवा साथी पूरे राज्य के, और उन्होंने अपनी दिखा दी औकात की क्या है। तो इतनी बर्बरता युवा साथियों के साथ की गई है, जो घिनौनी है और एकदम शर्मनाक हरकत जो उन्होंने की है। इसी विशेष हम लोग को लेकर के इसी जो घिनौनी हरकत हुई है झारखंड सरकार के साथ जो किया है हम लोगों के साथ, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ सतेंद्र कुमार जी हैं, मैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सतेंद्र जी, कहीं ना कहीं आप लोग पर ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेएमएम को कार्य नहीं करने दे रही है, हम विकास के राह पे आगे चल रहे हैं, महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन जेएमएम पूरा कर रही है, यही कारण है कि बीजेपी वाले उन्हें बदनाम करने की एक साजिश रच रही है। ये आरोप बेबुनियाद है, यह आरोप तथ्यों से विहीन है, झूठा आरोप, जिंदगी भर झूठे के बुनियाद पर हेमंत सरकार ने राजनीति की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व में सरकार चल रही है, 5 वर्ष क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको बाधा डालने का काम किया? इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम जितने लक्ष्य को निर्धारित किए हम अपने नेता के नेतृत्व में,
उस काम को प्रकाश आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, हम आपके पास दोबारा जरूर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से आरती बनी हुई है, उनका भी रुख करेंगे। आरती देखिए, अब पुतला दहन कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आप लगातार वहाँ पे बनी हुई है, क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें? देखिए आप ये तस्वीरें देख रही होंगी, ये पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ तस्वीर कि देखिए पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी बहुत रेस है पूरे सरकार को घेरने के लिए, आज पुतला दहन का कार्यक्रम। देखिए कल जिस तरह सरकार द्वारा वर्तापूर्ण कार्रवाई किया गया, कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता चोटिल हैं, कितने लोग वो जहरीली गैस के कारण बीमार पड़े हुए हैं, उसी के खिलाफ कल के आंदोलन में जो दमनात्मक कार्रवाई है उसके विरोध में आज हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और सरकार कल के ये पे एसएसपी ने कहा कि आप लोगों को तो परमिशन ही नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण पूरा हो जाता तो फिर ये आंदोलन करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। जी आरती, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ लोहरदगा से अमर गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। अमर देखिए, अगर हम बात करें तो युवा आक्रोश रैली के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है और राज्य सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल, द्वारा जो आक्रोश रैली निकाले गए थे, हेमंत सरकार के जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ जो उन्होंने आक्रोश किया था लोहरदगा में, जो है हेमंत सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने का काम किया। यहाँ पर जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, आज आप लोग ने पुतला फूंका है हेमंत सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे? कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा राज्य में शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहा था और करने के पीछे उद्देश्य था कि जो चुनाव से पहले और चुनाव सरकार बनाने के बाद इन्होंने लंबा लंबा घोषणा किया था कि यहाँ के नौजवान को 5 लाख प्रति साल नौकरी देंगे, नौकरी दे नहीं पाएंगे तो हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए यहाँ के हजारों लाखों नौजवान साथी लाइन लग करके नियोजनालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, निबंधन करवाया, लेकिन आज 5 साल गुजरने वाली है लेकिन एक भी व्यक्ति बेरोजगार साथी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। लगातार राज्य में देखिएगा तो आज महिला भी असुरक्षित है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज हेमंत सोरेन बड़ा बड़ा बोलता है, दावा करता है कि हम एक आंदोलनकारी का बेटा है, लेकिन आंदोलनकारी का बेटा नहीं लगता है। अगर आंदोलनकारी का बेटा रहता तो शायद इनका सरकार में महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होता, बलात्कार नहीं होता, विशेषकर आदिवासी महिला के साथ जो हो रहा है वो कभी नहीं होता, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आपका आंदोलनकारी का बेटा है। और इसके अलावा भाजपा के जो है वो महामंत्री भी मौजूद है पशुपतिनाथ पारस, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, आज इन भाजपा के द्वारा जो है हेमंत सरकार का पुतला फूंका गया, क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं सरकार हर स्तर पर फेल है, चाहे युवा की बात करें, किसान की बात करें, चाहे वृद्धों की बात करें, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, यह हर स्तर पर फेल हुई। ऊपर से जब अधिकार मांगने की बात हुई, जब यहाँ युवा जाकर के अधिकार मांग रहे थे, इन्होंने क्या किया? लग रहा था हमारी लड़ाई किसी दूसरे मुल्क से है, इन्होंने कटीले तार तरह तरह के। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी आरती बनी हुई है वहाँ रांची से लाइव, उनका रुख करेंगे। आरती, वहाँ की जो तस्वीरें वो लगातार आप पहुँचा रहे, हम चाहेंगे कि आप तमाम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं इसीलिए आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, थोड़ा सा साइड होगा, ये देखिए यहाँ पे आज पुतला दहन का हाय 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 बोली मैं। देखिए आज हम लोग जा रहे हैं या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा देखे 4.5 साल से ना तो हेमंत सोरेन जी आज तक एक भी युवा को रोजगार दिए हैं और ना ही अपना वादा के मुताबिक रोजगार न देने पर बेरोजगारी भत्ता दिए हैं। उसके जब युवा आक्रोश कल 23 तारीख को किया गया तो उन्होंने हम लोगों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया है, गोली बम जो हो सकता था उन्होंने सारा प्रयास किया है, कांटों भरा तार उन्होंने बिछा के रखा था, वही कांटों भरा तार का जवाब युवा उनको इस बार चुनाव में देगा, करारा जवाब देगा। हेमंत सोरेन हाय हाय हाय। कल बहुत लोग को गोली चल, मैंने रबड़ी गोलियां चली है,
पानी जब बौछार हुआ है, मार हुआ है, बहुत लोग मेरे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, इसके एवज में आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है। ये बहुत अनैतिक जो आज तक नहीं हुआ था, जो आज तक नहीं किए हैं, कोई सरकार नहीं की थी, वो आज ये किए हैं। मोराबादी मैदान में कितने कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं, उसके विरोध में आज हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। तो देखिए अंकिता, ये पुतला दहन हो रहा, मैं एक बार ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये तस्वीर आप देखिए और ये पता करिए कि किस तरह से थोड़ा सही रहेगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप, शर्म करो, शर्म करो। विरोध प्रदर्शन आज पुतला दहन है। कल जिस प्रकार से हम लोग का शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था, उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जिस प्रकार से सरकार ने पुलिसीय तंत्र का उपयोग करके बर्बरता पूर्वक ये जनरल डायर की तरह जिस प्रकार से लाठी गोली बम आंसू गैस जहरीली गैस से हम लोग पे हमला किया है, उसी के विरोध में पुलिस प्रशासन और सरकार का हम लोग पुतला दहन कर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कार शैली का विरोध सरकार स्वयं करा रही है। कार शैली किसकी है? हमारी तो नहीं है, कार शैली उनकी है। लेकिन आज तक 5 साल पूरा होने वाला है, ना युवाओं के साथ उन्होंने न्याय किया, ना महिलाओं के साथ न्याय किया, ना आदिवासी भाई बहनों के साथ न्याय किया, ना दलितों के साथ न्याय किया। और जब अन्याय के खिलाफ युवा सड़क पर उतरते हैं तो कटीला तार लगा के उनको घेरने का काम किया जाता है, कटीला तार लगाकर उनको रोकने का काम किया जाता है। सैकड़ों युवक घायल होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस बम चलाता है, पुलिस गोली चलाता है, पुलिस हेमंत सोरेन के इशारे पर दमनकारी नीति अपनाती है। और आज हम उसी का विरोध करने सड़क पर उतरे हैं, एसपी आवास जाकर उनका पुतला फूंकने का काम करेंगे। हम लोग पुतला फूंक रहे हैं, कल बहुत महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, ऐसा तो युवाओं ऐसा तो सभी पर अत्याचार हुआ है। बहुत भयंकर तरीके से इन लोगों ने महिलाओं पर लाठी चार्ज किया है, पथराव किया है और आंसू गैस छोड़े गए हैं बहुत गंदे तरीके से। हेमंत सोरेन जब ये राज्य चला नहीं पा रहे तो उन्हें कम से कम गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इनके राज में 5 साल हो गए हैं, ना तो युवा खुश है, ना महिला खुश है, ना तो आदिवासी हो के आदिवासी को खुश कर सकते हैं। देखिए कल हम लोग शांतिपूर्वक ये आंदोलन करने निकले थे, रैली में निकले थे, लेकिन सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर भी पत्थरबाजी किया गया है। सरकार को निकम्मा, सरकार को निकम्मा बता रहे हैं। अरे ये सरकार निकम्मा है, यह सरकार चोर है, यह सरकार भ्रष्टाचारी है, इसने युवाओं पे लाठी चलाकर अपना आखिरी कील में ताबू ठोक लिया है। कल जनरल डायर जलियाबाग में सबका एनकाउंटर करवाए थे, हेमंत सोरेन जी पूरा प्रयास किए कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वहाँ पे एक दो को मारना चाह रहे थे। आप लोगों को तो परमिशन ही नहीं मिला था बाहर जाने का। मैडम मेरे पास परमिशन था, हम लोग वहाँ सम्मेलन ही करने गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पत्थर चलाया, पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस चलाया, तब जाके बात आगे बढ़ी। आप उकसाने का काम कर रहे थे, हम लोग परमिशन के बाद ही वहाँ काम कर रहे थे। एसएसपी कहे कि सिर्फ आप लोग को सम्मेलन का इजाजत मिला था, आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ के निकल गए। मैडम हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ने भी नहीं जा रहे थे, उन्होंने पहले वहाँ से हमला किया। तो देखिए आप कल का जो आक्रोश मार्च था उसके बाद जिस तरह की स्थितियां बनी, उसके बाद आज ये विरोध प्रदर्शन है, पुतला दहन का कार्यक्रम है, बीजेपी का पुतला दहन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से आक्रोश मार्च में जिस तरह से कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से, वो बिल्कुल जनरल डायर की तरह ही था और इसी का ये विरोध कर रही है बीजेपी और इसी को लेकर ये पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर है बीजेपी का। अंकिता बने रहेगा हमारे सहयोगी धनबाद से प्रकाश भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। प्रकाश देखिए तमाम जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश का संपर्क टूट गया, फिर से उनसे जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे।